हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक। वेलकम टू माय चैनल रौनक टेक। अभी जो हाल ही में जो न्यूज़ सुनने में आया है कि इंडिया कुछ चाइनीज़ ऐप को बैन कर चुके हैं, तो टोटल 59 चाइनीज़ ऐप को इंडिया से बैन कर चुका है, जो कि उनमें से कुछ ऐप्स इतना ही ज़्यादा पॉपुलर था, इतना ज़्यादा माने काम का था, जो हमारे डेली बेसिस में काम में आता था। कुछ ऐप ऐसा था कि माइंड रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, और कुछ ऐप्स ऐसा है जैसे कि फ़ोटो स्कैन, फाइल शेयरिंग, ऐसा कुछ ऐप्स थे जो कि बैन कर दिया गया है। तो उसका अल्टरनेटिव जो ऐप है, जो मेड इन इंडिया हो या बाहर हो, इसका जुगाड़ मैं आज लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखिए, आपको पूरा पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस ऐप को ओपन करते ही कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ये सब अलाउ कर देना है। अलाउ करके देखिए, ये मैं पहले से यूज़ किया हूँ, तो 2-3 डॉक्यूमेंट अभी है। इसका जो ये वाला जो नीचे वाला जो पिक्चर वाला एल्बम वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आप गैलरी से कैप्चर किया हुआ पिक्चर उठा के स्कैन कर सकते हैं। और पास में जो कैमरा वाला ऑप्शन है ना, इसको आप यूज़ करके इंस्टेंट कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करने से आपको कैमरा का परमिशन चाहेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। देखिए कैसे कैमरा ओपन हो गया है। तो इसी तरह से इस ऐप को आपको यूज़ करना है। ये बिल्कुल भी आपको प्रीमियम के लिए नहीं पूछे। तो इस ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, जो कि सेट ऐप पासवर्ड, 4-8 डिजिट का पासवर्ड डालना है, एंड कैलकुलेटर प्रेस इक्वल टू बटन टू कंफर्म। तो यहाँ पे मैं 1-2-3-4 पासवर्ड देता हूँ, इक्वल टू देता हूँ, पासवर्ड कंफर्म्ड हो गया है। यहाँ पे देखिए का कुछ फंक्शंस है। तो यहाँ पे देखिए आपको सब अगर देखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये कैलकुलेटर ही है, बिल्कुल ये कैलकुलेटर है। तो आपको वो वॉल्ट में कैसे घुसना है, देखिए आपका जो पासवर्ड है 1-2-3-4, मैं पासवर्ड दिया हूँ 1-2-3-4, फिर आपको इक्वल टू देना है, तो आप गैलरी में घुस जाएंगे। यहाँ से गैलरी से आप कुछ भी, मतलब कुछ भी फोटोज़, यहाँ पे आपको कुछ देना है, वेयर इज़ योर बर्थ प्लेस, मैं कुछ भी दे देता हूँ, ये मेरा उतना भी काम का नहीं है। आप कुछ भी, आप अपना खुद का जो सही है वही देना, क्योंकि आपका ये ज़रूरत पड़ सकता है, आपका इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट भी हो सकता है अगर ये भूल गए तो। यहाँ पे कुछ प्रीमियम के लिए बोल रहा है, नेवर शो कर देना आप, सेव में रिकवर ईमेल सब छोड़ दीजिए। अभी पिक्चर में जाके मैं कुछ पिक्चर देखी, यहाँ पे कुछ पिक्चर मेरा वॉल्ट में ऐड नहीं है, प्लस साइन है। प्लस साइन में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा एक इनवॉइस का डॉक्यूमेंट है, मूव टू वॉल्ट इनक्रिप्शन, मतलब पासवर्ड के साथ ओके कर दिया। देखिए ये चला गया है, ये अभी बाहर शो नहीं होगा, ये यहीं पर शो होगा अभी। तो इसी तरीके से आपको ये प्लस में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वीडियो जो आपका गैलरी में जो वीडियो है वो सब आप डाल सकते हैं। ये इससे आपका जो पिक्चर्स, यहाँ पे जो आपका पिक्चर्स है, आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, और इससे आपका फाइल्स का कुछ भी फाइल डाल सकते हैं। इसमें आप ऑडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो कैप्चर करके डाल सकते हैं, यहाँ पे आप
टेक फ़ोटोज़, मतलब फ़ोटो खींच के इंस्टेंट डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस ऐप को यूज़ करना है। मैं तो हमारा अभी जो तीसरा नंबर का जो ऐप है वो है कुछ EZ फाइल एक्सप्लोरर के अल्टरनेटिव। इस ऐप को यूज़ करके आप इजीली आपका फ़ाइल को मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो इस ऐप को ओपन करके आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सब अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपका जो फाइल्स है वो आपका शो होगा। यहाँ पे जाके आप ब्राउज़ करिए, ब्राउज़ करके इमेज को जाइए। इमेज को आप इधर उधर कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप ऐसे देखिए यहाँ पे कितना ऑप्शन आ रहा है। बैकअप टू गूगल ड्राइव, मूव, कॉपी, मूव करने से आप कुछ भी मूव कर सकते हैं, SD कार्ड वगैरह। इसको आप ऐसे करके यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए ये SD कार्ड, ये आप अलाउ करेंगे तो ये आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी जो ये मेरा फाइल दो थे वो अभी SD कार्ड में ऐड हो चुके हैं। ऐसे करके आप मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो ऐप है वो है फाइल्स, वो सेम गूगल फाइल्स का ऐप में देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके देखिए सेंड एंड रिसीव, ये पूरा सेंडर के तरीके से काम करता है। इसको आप सेंड करेंगे तो ये देखिए सब अलाउ कर देना है आपको। तो आप सेंड करेंगे, आपका नाम रख देंगे, कुछ नाम रख देंगे जो कि ओपोनेंट को शो हो। देखिए यहाँ पे आपको स्कैन कर रहा है, आपके आसपास कोई बंदा है, आप किसी को देना चाहते हैं तो आप सेंड दबाइए और उसको बोलिए रिसीव दबाने के लिए। वो रिसीव दबाने से आपका ये वाला नाम उसके पास शो हो जाएगा। और आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप रिसीव दबाइए और उसको बोलिए सेंड दबाने के लिए। तो ऐसे करके आप ये सेंडर का ऑल्टरनेटिव, ये गूगल फाइल्स को ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये टिकटॉक का अल्टरनेट है, ये टिक की ऐप, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेड इन इंडिया है। हालांकि ये ऐप अंडर डेवलपमेंट है, ये कुछ दिनों बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। इससे आप एंटरटेन, टिकटॉक जैसे एंटरटेन आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हैं खुद का बना के टिकटॉक जैसे। ये ऐप अभी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है चलने में। थोड़े देर पहले मैं जब चलाया था तो चल रहा था, अभी जब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चलाया तो ये अंडर डेवलपमेंट में आ रहा है। ये सर्वर इसका शायद कुछ हो रहा है, देखिए अभी ऐप ओपन नहीं हो रहा है मेरा। तो ये जल्द से जल्द 2-3 दिन में आपका आराम से ठीक हो जाएगा। आप इस ऐप को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ पूछना है और इस टॉपिक में आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।